अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर जहीर खालिद गोट्स फार्मिंग के मुतालिक आपको अपडेट देंगे कि अभी मौजूदा जो गोट्स का नंबर है, तादाद है, वो कितनी हो चुकी है और क्या इसमें पिछले डेढ़ साल से लेके यूं कह लें कि सितंबर 2022 से लेके अब तक का क्या पोजीशन है। मैं अपनी पुरानी वीडियोस में हर्ट के मुतालिक सारी डिटेल दे चुका हूँ। आज का व्लॉग हमारा हर्ट के ऊपर है कि क्या अपडेट है, कितना हर्ट जो है वो अपडेट हो चुका है। तो इस वक्त हम खड़े हैं मेन जो हमारा प्रेग्नेंट ग्रुप है, इसमें वो बकरियां मौजूद हैं जिन्होंने सितंबर में काफ किया था, सितंबर 23 में जिन्होंने बच्चे दिए थे और अब वो बकरियां इधर मौजूद हैं, प्लस साथ ये पट्टे मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सारे जो पट्टे हैं ये वो पट्टे हैं जो मार्च 23 में पैदा हुई थी, यानी कि आज इन्हें पैदा हुए एक साल हो गया और ये सारे इस वक्त प्रेग्नेंट हैं। जो बकरियां सितंबर में, पिछले साल सितंबर में जिन्होंने बच्चे दिए वो भी प्रेग्नेंट हैं और जो पट्टे मार्च में पैदा हुई थी वो भी प्रेग्नेंट है। इस वक्त ये 22 जानवर इधर खड़े हैं जो कि सारे प्रेग्नेंट हैं और ये अप्रैल में बच्चे देना शुरू कर देंगी। ये 22 के 22 जो जानवर है ये बच्चे देना शुरू कर देंगे। किस्सा मुख्तसर के जो बकरियां मार्च में पैदा हुई थी पिछले साल, इस अप्रैल में यानी कि 13वें महीने वो सारी बच्चे दे देंगी। तो ये एक ग्रोथ का इसमें तरीकाकार है गोट फार्मिंग में कि एक साल में इस वक्त हमारे पास 22 जानवर जो है ये प्रेग्नेंट खड़े हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था 9 हमारी बकरियां थी, 8 से 9 जो कि प्रेग्नेंट थी और जिनमें से हम 5 बकरियों को सेल करने जा रहे थे। तो वो 5 जो थी उसमें से हमने 4 सेल की थी, एक को हमने रोक लिया था। जो 4 सेल की उनमें से एक बकरी जो प्रेग्नेंट थी वो प्रेग्नेंट ही सेल हो गई थी, जबकि जो बाकी 3 थी वो सेल हो गई लेकिन वो अभी भी यहाँ खड़ी हैं। तो पीछे जो एक सेल हो चुकी है, पीछे जो 8 खड़ी हैं वो 8 की 8 बकरियां बच्चे दे चुकी हैं। तो अभी आपको मैं फ्रेश ग्रुप की तरफ लेके जाऊंगा उन 8 बकरियों की तरफ। 8 बकरियां जो हमारी प्रेग्नेंट थी वो बच्चे दे चुकी हैं, ये अब वो खड़ी हैं जी। तो इनका अभी फीडिंग का मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि अब हम इनको फीडिंग भी दे रहे हैं, साइलेज और बंडे की ये साइलेज डाला हुआ है और इसी के ऊपर हम इनको सुबह शाम बंडा डालते हैं, प्लस ये लूसन का हे डाला हुआ है, इन्हें ये लूसन का हे साथ खाती हैं, ये इस वक्त इनकी डाइट है। साथ में हम इनको मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं। इनको बच्चा दिए हुए तकरीबन 15 से 20 दिन हो चुके हैं, 15 से 20 दिन हो चुके हैं बच्चे दिए हुए, बच्चा दिए हुए 15 से 20 दिन हो चुके हैं और साथ में अभी हम इनको खुराक इस तरह से दे रहे हैं कि 15 अप्रैल तक हमने इनमें दोबारा से ब्रीडर छोड़ देना है। एक महीने का इनका रेस्ट होगा तकरीबन, 15 अप्रैल को हमने इनमें दोबारा से ब्रीडर छोड़ देना है। तो ये 8 बकरियां जी, इन्होंने बच्चे कितने दिए हैं, इनमें से बच्चों पे भी मैं आपको लेके चलता हूँ। इनके जो बच्चे हैं उनकी आप तादाद देख सकते हैं, बच्चे तकरीबन हर बकरी ने ऑन एन एवरेज 2 बच्चे दिए हैं, जिनमें से कुछ ने 3 दिए थे। 2 बकरियां थी जिन्होंने एक बकरी ने सिर्फ एक बच्चा दिया, बाकी 2 थी कि जिन्होंने एक एक बच्चा जो था वो डेड दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अगर मैं बात करूं इनके बच्चों की तो एवरेज मैं निकालूं तो 2 बच्चे फी बकरी ने दिए हैं। तो अभी दोबारा हम अप्रैल में इनको प्रेग्नेंट करेंगे। अब इन 8 बकरियों के जो बच्चे हैं मैं आपको उनकी तरफ लेके चलता हूं, उन बच्चों की तरफ, बच्चे आपको दिखाते हैं। पोज नहीं सर आ रहा ना, पोज ऑप्शन नहीं, पोज ऑप्शन उन 8 बकरियों के जो हमारे पास बच्चे आए हैं जी, ये 15 बच्चे हैं। तो ये इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं, आप दिखा सके इनको वन बाय वन, इनके ऊपर कैमरा रखे सारे बच्चे दिखाए। ये 15 बच्चे आए हैं जी इन बकरियों के। तो
तो इनको अभी हमने बच्चों को पालने का एक खास तरीका है हमारा। मेरा अगला व्लॉग इसी चीज पे आएगा कि हम बच्चों को कैसे पालते हैं। और मैंने अपने एक व्लॉग में बताया था कि पहले साल जो बच्चे आए थे उनमें से काफी बच्चे एक्सपायर हो गए थे, वो गलती क्या थी ये भी मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा, और कैसे हमने उस गलती को कवर अप किया है कि हमारे जो सितंबर पिछले साल सितंबर में 16 बच्चे आए, माशाल्लाह 16 के 16 अलाइव हैं, अभी जो है वो 15 बच्चे आ चुके हैं, इनको भी हम कैसे मैनेज करेंगे कि जो किड्स की डेथ है वो जीरो रहे, वो मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा। इसके बाद मैं अभी आपको लेके चलता हूँ, जो पिछले मार्च में बच्चे पैदा हुए थे उनकी जो फीमेल्स थी, जो मादी जानवर थे वो तो प्रेग्नेंट हो चुके हैं, वो अगले महीने बच्चा दे देंगे, प्लस जो साथ मेल आए थे नर जानवर आए थे उनको अभी हम ईद की तैयारी लगवा रहे हैं। मैं आपको सेक्शन में लेके चलता हूँ कि वो जो नर जानवर है उनको हम ईद की तैयारी कैसे लगवा रहे हैं, प्लस आपको वो जानवर दिखाते हैं कि जो अभी हमने ईद के लिए तैयार कर रहे हैं। तो इसमें पहले सेक्शन आ गए ये तीन, आप देख सकते हैं नर, ये हमने उनमें से ब्रीडर निकाल लिए थे कि ये हम ब्रीडिंग के लिए रखेंगे, ये तीन के तीन नर, इनसे हम आगे फर्दर जो बकरियां हैं उनकी ब्रीडिंग करवाएंगे, प्लस बाकी जो हमने फैटनिंग के लिए, आ जाए मेरे साथ, बाकी जो हमने फैटनिंग के लिए रखे हैं मैं आपको फैटनिंग वाले दिखाता हूँ, मेरे साथ हैं। जो तीन ब्रीडर हमने निकाल लिए थे वो तीन आपको दिखा दिए हैं, अब जो बाकी वहाँ पे मौजूद थे जानवर मैं आपको वो जानवर दिखाता हूँ। ये है जी जानवर, अंदर आ जाए, अंदर आ जाए, ये जानवर हैं, इनको हम तैयारी लगवा रहे हैं अभी ईद के लिए, अभी जो बड़ी ईद आ रही है उस पे हम इनको सेल करेंगे इंशाल्लाह। तो जो मादी थे जानवर उनको हमने सबको प्रेग्नेंट करवा लिया था, नर को हमने सेपरेट कर दिया, इसमें से तीन जो ब्रीडर थे वो हमने रोक लिए हैं, बाकी जितने भी बकरे थे उनको अभी हम ईद के लिए तैयारी लगवा रहे हैं और ईद पे इंशाल्लाह हम इनको सेल करेंगे। अभी मैं आपको इनकी खुराक का थोड़ा सा बताता चलूं कि खुराक जो हम इन्हें दे रहे हैं इस वक्त, इस खुराक में मौजूद है जी ये साइलेज है, मकई का दलिया है, कनोला मील है और डीसीपी है, ये हम इनको खुराक दे रहे हैं फैटनिंग के लिए ताकि ये हेल्दी हो जाएं। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इनकी हेल्थ को चेक कर सकते हैं, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हैं जी इनकी हेल्थ के, ये आप देख सकते हैं सारे बकरे। तो ये सारा स्टेटस था जी मार्च पिछले साल, जो मार्च में जानवर पैदा हुए उनका ये स्टेटस था कि मादियां प्रेग्नेंट होकर अगले महीने बच्चा दे रही हैं, नर जो हैं उनको हम ईद के लिए तैयारी लगवा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सितंबर में जो पैदा हुए थे उनका क्या स्टेटस है, मेरे साथ हैं वो बच्चे जो सितंबर में पैदा हुए थे, मैं अब आपको उस सेक्शन में लेके चलूँगा। सितंबर में जो बच्चे पैदा हुए थे जी 16, जिनके मतलब मैंने आपको बताया था कि वो 16 बच्चे जो है माशाल्लाह से सारे अलाइव हैं, किसी को कोई हेल्थ का इशू नहीं हुआ और जो डेथ रेशो थी वो ऑलमोस्ट 0% रही। तो अभी आपको उनकी ग्रोथ के मतलब बताऊंगा, इस वक्त उनकी जो एज है वो ऑलमोस्ट 5 महीने का कोई 6 महीने का कोई 4 महीने का, ये इनकी ऑलमोस्ट इस वक्त एज है। तो हमने इन बच्चों को दूध उनका बंद करवा दिया था, उसके बाद हम उनको उनके पेन में शिफ्ट कर दिया है। अभी जो छोटे बच्चे आपने देखे थे पहले ये यहाँ मौजूद थे, फिर हमने इनको ग्रोवर वाले पेन में शिफ्ट कर दिया है जहाँ पे अब हम उनको वो डाइट दे रहे हैं जिससे वो अच्छी ग्रोथ कर सकें। तो ये हम एंटर हो रहे हैं जी बाड़े में, ये जानवर हैं जी जो सितंबर में पैदा हुए थे पिछले साल सितंबर में, इस वक्त इनकी एज 5 माह 6 माह हो चुकी है। तो आप माशाल्लाह से इनकी ग्रोथ देख सकते हैं, ये 5-6 माह के हैं। अभी हम इनको अलग करेंगे, इसमें जब जो मेल हैं उनमें ब्लोगत की अलामत आना शुरू हो जाएंगी तो मेल्स को हम अलग कर देंगे और जो मादी है उसको अलग कर देंगे। इस वक्त तक ये इकट्ठे हैं क्योंकि अभी तक मेल जो है, नर जो है, उन्होंने ब्लोगत की अलामत शुरू नहीं की। तो इनको भी हम फीडिंग में लूसन का हे दे रहे हैं, ये लूसन का हे है जी, फीडिंग में हम इनको ये दे रहे हैं और साथ हम इनको साइलेज दे रहे हैं, मकई का साइलेज, ये साथ हम साइलेज दे रहे हैं।
बच्चे एक दफा फिर से दिखा दें, ये माशाल्लाह से आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं जी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हम इनको ज्यादा टाइम नहीं देंगे, बल्कि जून या जुलाई में, ताकि अगर हमें लगा कि इनका वजन पूरा हो चुका है तो जो मादी हैं उनको हम प्रेग्नेंट करवा देंगे, या अगर हमें फील हुआ कि अभी वजन में कमी है, या अपने ब्रीडिंग सीजन को मैनेज करने के लिए कि अगर हम इनको जुलाई में क्रॉस करवाते हैं तो बच्चे देंगे ये तकरीबन दिसंबर में, जिस वक्त बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो मुझे लग रहा है कि शायद हम इनको सितंबर में लेके जाएंगे। वजन इनका जून जुलाई तक पूरा हो जाएगा, लेकिन हम इनको सितंबर में इनकी ब्रीडिंग करवाएंगे, ताकि इनका आगे जो सुआ है वो मार्च में आए, इन दिनों आए जब मौसम खुल चुका होता है। तो ये सारा सेटअप था जी, ये अपडेट थी सेटअप की। माशाल्लाह से बड़ी ही स्पीड से ग्रोथ हो रही है, बड़ी ही स्पीड से जानवरों की तादाद में इजाफा हो रहा है। तो ये गोट फार्मिंग का चार्म है, इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि आप जिस हर्ड से शुरू करते हैं अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है तो वो हर्ड दिनों में डबल ट्रिपल हो जाता है। तो ये इस बिजनेस का पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और इस साल इंशाल्लाह इस पे जो बकरे सेल होंगे उनकी भी आपको मैं प्राइसेस बताऊंगा, आपको अपडेट करूंगा उनके रेट्स के मुतालिक। इसके साथ मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।